हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल के सारे विद्यार्थियों का मैं अज के मैथ्स के लैक्चर के स्वागत कर रही हूँ। सो असी अज पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स, तो असी शुरू किया साडा चैप्टर नंबर 5 अरिथमैटिक प्रोग्रेशंस। सो इस चैप्टर के कुछ लैसनज असी पहला पढ़ चुके हैं। उन लैसनज असी ए पी बारे जाने से कि ए पी की होंगी है, उस तो बाद nth टर्म ए पी की किदा फाइंड करी जाती है, उस तो बाद असी गल की सी कि सम ऑफ n टर्म्स किदा फाइंड करी जाती है। मान लो कि साढ़े कोई ए पी है, ठीक है, एक इदा की नंबर की लिस्ट है जी ए पी बन रही है, वो एन टर्म्स दिखाई हुई ने, तो उन्होंने एन टर्म्स का आप जो सम फाइंड आउट करना वा, सारिया टर्म्स का सम करना, उन्होंने जोड़ना, वो आप एक फॉर्मूला लिखा सी। फॉर्मूला की सगा, सम ऑफ एन टर्म्स कढ़न का फॉर्मूला से अपने को, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज। सो एक ये फॉर्मूला सीगा। एक असी होर फॉर्मूला किया सीगा कि जो किसी भी ए पी दे विच सानू nth टर्म गिवन होवे, अगर ए पी दे विच सानू ए एन या nth टर्म जिन्हों आप कहने nth टर्म दिती होवे, तो उदो साडा एस एन का फॉर्मूला किवें बन जाता सीगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस ए। सो असी ये दो फॉर्मूले किए थे। इस तो पहला असी एक होर फॉर्मूला किया सीगा ए एन एथ टर्म फाइंड करन दा, वो फॉर्मूला की सीगा साडे कोल ए प्लस एन माइनस वन बी। सो इस पूरे चैप्टर दे विच आही तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ने जिदे बेस दे उपर आपां सारे क्वेश्चन किए ने। सो अज भी आपां इन्हां फॉर्मूलेज दे उपर ही बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन ने वो ईजी ने, सिर्फ गल ये कि हर क्वेश्चन दे विच एक नवा कंसैप्ट यूज होंदा है। सो जरूरत की है कि उस क्वेश्चन चंगी तरह आप रीड करिए, उस क्वेश्चन दे विच की गिवन आ, पहला वो चीज़ आप साइड पर रखिए, फिर आप फाइंड करना है वो चीज़ देखिए। सो गिवन की है, पहला वो चीज़ कढ़ लैनी है क्वेश्चन नू देख के, उस तो बाद की फाइंड करना है वो चीज़ कढ़ लैनी है, फिर जो चीज़ आप गिवन आ उसकी वैल्यू आप फॉर्मूले दे विच पुट करके सम की वैल्यू फाइंड आउट कर लैनी। सो अज आप इस फॉर्मूले के उपर ही बेस्ड क्वेश्चन नू डिस्कस करांगे। हाँ जी बच्चों, देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का आप सम करना है। सो अपने कोल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होंगे ने 1 तो, पहला 1 आ गया, उस तो बाद आ जाता 2, फिर आ जाता 3, फिर 4, उस तो बाद जाना कितों तक आप 1000 तक, मतलब जोड़ा अपना लास्ट पॉजिटिव इंटीजर वो होगा 1000, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन के कहा कि तुसी फर्स्ट 1000 मतलब 1 तो लैके 1000 तक जिन्हें भी नंबर्स ने इन्हों का आप सम फाइंड करना, इन्हों ऐड करना, ठीक है। सो हम आप उपर वो फॉर्मूला लगावे तो सम फाइंड आउट करा। सब तो पहला आप चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि आप गिवन आ फॉर्मूले के, अगर आप वाला फॉर्मूला लगाइए तो आपको एक ए चाहिए, एक एन चाहिए, तो एक डी चाहिए, और अगर ए वाला फॉर्मूला लगाइए एक एन ए तो एक ए एन एथ टर्म, ठीक है। ए एन एथ टर्म का मतलब यह है कि अगर साड़ी ए पी दे विच 10 टर्म्स ने तो सानू जिहड़ी 10वीं टर्म आ वह पता होनी चाहिए, तो असं ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ए पी दे विच 15 टर्म्स ने, 15 नंबर ने, तो वह 15वें नंबर पर कि टर्म है, अगर असी 15 नंबर का सम कढ़ना है तो 15वें नंबर पर कि टर्म है वह सानू पता होनी चाहिए, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन देखो, ए अपना होंगे फर्स्ट टर्म, ए होंगी है सब तो पहली टर्म फर्स्ट टर्म, तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म की है 1, सो ए आ गया साढ़े को 1। कॉमन डिफरेंस डी होंगे, डी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 1, डी की वैल्यू भी आ गई। एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एन की वैल्यू है साढ़े को 1000, क्योंकि 1 तो लैके 1000 तक असी 1000 नंबर का सम करना है। सो एन किन्ना साढ़े कोल किन्ने नंबर्स ने 1000, ठीक है, तो ए एन ए 1000 मतलब 1000 नंबर से साढ़े कोल केड़ा नंबर है 1000। सो ए एन किन्ना आ गया 1000, तो असी फाइंड आउट करना है एस 1000। सो असी दोनों विचों कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ए वाला या ए वाला। सो असी देखो साढ़े कोल ए 1000 की वैल्यू हैगी है, एन की वैल्यू हैगी है, ए की वैल्यू हैगी है, सो असी ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो छोटा फॉर्मूला है। सो इन अप्लाई करते हैं, एन बाय टू
a plus an, n the value 1000 by 2, a the value 1 plus an the value 1000 ये आ गया. इतने कटिंग कर दिए, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ते नाल दो जीरोस. सो साडे कोल बन गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 1001. ठीक है, एस 1000 आपां सॉल्व करन लग गए. फॉर्मूला हुंदा एन बाय टू ए प्लस ए एन, एन दी वैल्यू पुट कीती 1000, एन दी वैल्यू 1000 इसलिए आई है बिकॉज असीं 1000 टर्म्स दा सम करना है. सो ए दी वैल्यू 1, ए मतलब अपनी फर्स्ट टर्म आ गई, ए एन 1000 है, 1000th नंबर दे केड़ा नंबर पिया वा, वह हो गया 1000. सो 2 दे नाल 1000 दी कटिंग करती, 500 आ गया. इत्थे इहनां नूं ऐड कीता, 1001 आ गया. हुण आपां इहनां दोनों 500 नूं ते 1001 नूं मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कर लैंदे हां, 0000, तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई कर लिओ, आंसर की आ गया 500500. सो इह साडे कोल साडियां फस्ट 1000 नंबरस दा सम बन गया. ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर. सो पहले 1000 नंबरस दा सम असी फाइंड आउट किया, तो सम किन्ना आया 5050. सो इस क्वेश्चन दे विच उहने सानू स्टेटमेंट दी फॉर्म दे विच क्वेश्चन दिता आया सी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर. सब तो पहला असी लिख ले कि वो केड़े नंबर बनते हैं, उहदे विच फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, कॉमन डिफरेंस कढ़ लिया, एन दी वैल्यू कितनी होगी 1000, क्योंकि उन्हें 1000 नंबरस दा कढ़न नूं कहा वा, ते 1000th नंबर ते केड़ी टर्म पई है 1000. ठीक है, सो उहदी वैल्यू देख ली, उहनूं फॉर्मूले दे विच पुट करता ते सॉल्व कर लिया. यही क्वेश्चन आपां इस फॉर्म दे नाल भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. फर्क यह है कि इस फॉर्मूले दे विच सानूं ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पवेगी, क्योंकि इहदे विच डी दी वैल्यू पुट करनी पवेगी, एन माइनस वन करना पवेगा. एन माइनस वन मतलब 1000 माइनस वन कितना बन जाएगा 999. 999 नूं तुसीं 1 नाल मल्टीप्लाई करो, फिर 2a करो, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा 5050. सो तुसीं इस फॉर्मूले नाल भी इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करके देखना. सो हुण असीं अपना नैक्सट क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी बच्चों, देखो साडे कोल साडा नैक्सट क्वेश्चन की है. नैक्सट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइंड की करना आपां, सम फाइंड करना है. सो सम तो आपां नूं पता लग गया कि असीं एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स. जिवें कि आपां हुणे पिछला क्वेश्चन किया, जिहदे विच आपां नूं क्वेश्चन इह सी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर. कहिंदा सी कि 1000 तक जिन्ने इंटीजर्स आंदे ने, पॉजिटिव नंबरस आंदे ने, तुसीं उहनां दा सम करना. उस तो पहला असीं पिछले लैसन दे विच क्वेश्चन किया सीगा, जिहदे विच सीगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर. तुसीं 100 पॉजिटिव इंटीजर्स दा सम फाइंड करना सीगा. इस क्वेश्चन दे विच उहने आपां नूं इह नहीं दस्सिया कि तुसीं कित्थों तिकर फाइंड करना, उहने कहिंदा एन पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, जिवें 100 सी, 1000 सी, हुण इत्थे कोई वैल्यू देण दी बजाय उहने सानूं इक अल्फाबेट देता एन, कहिंदा एन पॉजिटिव इंटीजर दा तुसीं सम फाइंड करो. सो अपने कोल पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हुंदे ने 1 तों, 1 फिर आंदा वा 2, फिर 3, फिर 4, ते जाना आपां कित्थों तिकर है एन तक, क्योंकि उहने क्वेश्चन दे विच एन तक दित्ता होया. सेम है जिवें कि पिछला क्वेश्चन किया सीगा 1000 वाला, ये उस तो पिछला किया 100 वाला, उस तरह इत्थे आपां जाना है एन तक. सो हुण अगे की करना है, सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ जिहड़े 1000 सी उहदी जगह इत्थे एन आ गया. सो आपां पहलां देख लिया आपां की फाइंड कर सकते हैं. ए दी वैल्यू, ए हुंदी है अपनी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इत्थे हैगी है 1, कॉमन डिफरेंस डी 2 माइनस 1 1. अपने कोल एन दी वैल्यू, एन हुंदी है नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स तो मतलब यह है कि जिहड़ी सानू ए पी दित्ती है, जिहड़ी नंबर्स दी लिस्ट दित्ती है, उहदे विच किन्ने नंबर ने. ठीक है, 5 नंबर ने, 10 नंबर ने, 15 नंबर ने, किन्ने नंबर ने उहदे विच. सो एन ओह चीज़ हुंदी है. हुण इत्थे सानू सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर देता, कहिंदा एन तक जिन्ने पॉजिटिव इंटीजर आंदे ने उहनां दा सम कढ़ना. सो किन्नियां टर्म्स दित्तियां ने उहने सानू एन. सो नंबर ऑफ टर्म्स की आ गया इत्थे एन. बिल्कुल सेम उस तरह है जिवें पिछले क्वेश्चन दे विच उहने कहा सी कि तुसीं एक तो लैके 1000 तक जिन्ने नंबर आंदे आ उहनां दा सम कढ़ो. सो उदों सानू उहने 1000 नंबर दित्ते सीगे. सिमिलरली इस क्वेश्चन दे विच उहने सानू नंबर जिवें 1000 दी बजाय एक अल्फाबेट देता एन.
सो नंबर ऑफ टर्म्स किन्ने होंगे इस एपी दे विच एन ते एनथ नंबर एनथ पोजीशन ते केड़ा नंबर है या ए एन की है ओ वी एन ठीक है सो हुन आपा ये सारिया वैल्यूज नु फॉर्मूले दे विच पुट कर दे फॉर्मूला अपना हुंदा सम ऑफ एन टर्म्स जदों आपा एन टर्म्स दा सम फाइंड करना है फॉर्मूला हुंदा एन अपॉन टू ए प्लस ए एन इतने जो एन हों वाला होंगे नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कि एन ए वैल्यू कि वन प्लस ए एन मतलब एनथ पोजिशन से कि नंबर पे साढ़े को सो मान लो साढ़े को एक ए पी है टू फोर सिक्स ए टेन ठीक है इस ए पी के साढ़े को पांच टर्म्स ने ना फर्स्ट टर्म है सैकेंड टर्म है थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है तो ये फिफ्थ टर्म है सो अगर इस ए पी की मैं एन की वैल्यू लिखनी है कि इस ए पी के कितनिया नंबर ऑफ टर्म्स ने कितनिया नंबर ऑफ टर्म्स ने कितनिया टर्म्स ने इस ए पी के तो वन टू थ्री फोर फाइव पांच टर्म्स ने और अगर मैं ए फाइव लिखना है ए फाइव मतलब पंजवें नंबर पर कि वैल्यू है पंजवें नंबर पर कि नंबर पिया वा सो पंजवें नंबर पर नंबर की पिया है टेन सो हमेशा इदा नहीं होगा कि एन ए एन की वैल्यू सेम आवे ये सिर्फ इस क्वेश्चन जो फस्ट सम ऑफ फस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन है जिमें कि अपना पिछला थाउजेंड वाला क्वेश्चन से तो इस क्वेश्चन ही इदा हो रहा है कि एन की वैल्यू तो ए एन की वैल्यू सेम आ रही है अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हमेशा एन और ए एन की वैल्यू सेम आवे सो इस ए पी के एन की वैल्यू है फाइव मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइव ने तो फिफ्थ नंबर पर जोड़ा नंबर पिया वा वह है टेन ठीक है इस तरह इस जड़ी ए पी आ एन पॉजिटिव इंटीजर्स वाली ए पी ए टर्म्स है ने एन तो एनथ नंब टर्म पर जोड़ा नंबर पिया वह भी एन ही है सो पहला जोड़ा ए वाला एन हों नंबर ऑफ टर्म्स कि एन है तो ए एन टर्म कि अपनी वह भी एन है सो एस एन की बन गया साढ़े को एन एन प्लस वन बाय ये साढ़े को एक फॉर्मूला बन गया जो भी असी सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है सो एस एन की बन गया एन एन प्लस वन अपॉन थाउजेंड जिस तरह कि अगर मैं फाइंड करना है क्वेश्चन ये है कि फाइंड करो सम ऑफ टेन पॉजिटिव इंटीजर्स दस पॉजिटिव इंटीजर्स में सम फाइंड करना है सो हूँ मैंने एन की वैल्यू दी हुई है टेन सो मैं इस फॉर्मूले के वैल्यू पुट कर दूंगी एस टेन इज इक्वल टू टेन टेन प्लस वन बाय टू सो टेन इंटू इलेवन टेन प्लस वन इलेवन बाय टू कटिंग करती 55 साडा आंसर आ जाएगा ठीक है सो इस तरह 10 पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू कढ़नी है तो इतने एन की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व कर लिया 55 20 की कढ़नी है तो एन की वैल्यू 20 पुट करके सॉल्व कर लिया 30 की कढ़नी है तो एन की वैल्यू 30 पुट करके सॉल्व कर लिया सो ये भी साढ़े को एक सम फाइंड करने का फॉर्मूला है पर यह फॉर्मूला कदों अपलाई होगा अगर साढ़े को सम फाइंड आउट करने कहेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जेडे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह के नंबर का या पहले 10 नंबर का सम कढ़ने कहता या पहले 20 नंबर का सम कढ़ने कहता उदों असं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते ठीक है सो ये साढ़े को एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हो गया ये फॉर्मूला तुहानू हायर क्लासेस दे विच अगे जाके जदों तुसी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे उदों भी बहुत काम आएगा क्योंकि ए पी तो बाद जो नैक्सट कंसैप्ट आ वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का वा तो वो जो तुसी हायर क्लास जाके पढ़ोगे तो यह वाला फॉर्मूला है जिहड़ा सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का ये फॉर्मूला तुहानू हायर क्लास जाके काम आएगा सो असं इस तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हाँ जी स्टूडेंट्स देखो हम अपने को नैक्सट क्वेश्चन किदा का है नैक्सट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द गिवन ए पी ए पी तो दिती हुई है ए पी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10 डॉट 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 का मतलब ये है कि ये अंदर भी कुछ टर्म्स है ठीक है सो हम इस ए पी के देखो ये एक फाइनाइट ए पी है सब तो पहली गल फाइनाइट ए पी की होंगे फाइनाइट दो वर्ड्स होंगे अपने को फाइनाइट तो एक होंगे इनफाइनाइट फाइनाइट वो चीज़ होंगी है जिड़ी किसी ना किसी स्टैप बाद जाके स्टॉप हो जाए जिस तरह कि ये जी ए पी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डॉट 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 प्लस 10 10 तो जाके ए पी स्टॉप होगी सो ये अपने को बन गई फाइनाइट ए पी इनफाइनाइट वो होंगी है जी कि नहीं स्टॉप होंगी अनगिनत है चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है
ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਏ ਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ 34 + 32 + 30 + ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਏ ਪੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏ ਪੀ ਜਿਹੜੀ 10 'ਤੇ ਸਟੋਪ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਏ ਪੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਏ ਪੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਏ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਏ ਐਨ ਐਥ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਏ ਐਨ ਐਥ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਏ ਐਨ ਐਥ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10। ਅਗਰ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ 10th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 50th ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ 10। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ 50 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 10। ਅਗਰ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਟਰਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਏ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10। ਐਨ ਐਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਐਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਬਾਈ 2 ਏ ਪਲੱਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਬੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਐਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਬਾਈ 2 ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਐਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਐਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 34 + 32 + 30 + --10, ਇਹ ਸਾਡੀ ਏ ਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਏ ਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 34, ਸੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 34। ਡੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ 32 - 34 ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ 2। 32 - 34 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, ਬਿਕੋਜ਼ 34 ਵੱਡਾ ਹੈ 32 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 2। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਨ ਐਚ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 10। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20th ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ 10। ਸੋ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਐਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਪਲੱਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਹੈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 34 ਹੈ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 10, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 34 ਪਲੱਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1, ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਸੋ 10 34 ਇਸ ਤਰਫ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 34 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2।
माइनस कर दो माइनस द 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस टू. अगर इधर माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे चला जाएगा. माइनस 24 अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस वन. माइनस ने माइनस नू कटता, टू वन जर टू, टू ट्वेल्व जर 24. सो की आ गया अपने को 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन. वन नू इस तरफ ले आओ, 12 प्लस वन इज इक्वल टू एन, 13 इज इक्वल टू एन. सो एन दी वैल्यू 13 आ गई, मतलब मैंने पता लग गया कि इस एपी दे विच 13 टर्म्स ने. ठीक है, हुण इन्हां 13 टर्म्स दा आपां सम फाइंड करना है. सम दे लिए तुसीं दोनों विचों कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्योंकि तुहाडे कोल ए दी वैल्यू भी हैगी है, एन दी वैल्यू भी कढ़ ली, अपने कोल डी दी वैल्यू भी हैगी है. चाहे आपां फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, चाहे आपां सैकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, सम बिल्कुल करैक्ट होएगा. दोनों फॉर्मूले अप्लाई, दोनों विचों कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वैल्यू या आंसर सेम ही आएगा. सो आपां सैकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंदे हां, क्योंकि वो छोटा है. ठीक है, एस एन सम कढ़ना है, किन्नियां टर्म्स दा 13 टर्म्स दा. एस एन, एन मतलब इत्थे की हुंदा वी जिन्नियां टर्म्स ने उहनां दा आपां सम कढ़न लगे. सो एन दी वैल्यू असीं कढ़ी है 13, आपां 13 टर्म्स दा सम फाइंड करना है. 13 अपॉन 2, ए दी वैल्यू हैगी है 34 प्लस ए एन, ए एन सानू पता है 10. सो एस 13 इज इक्वल टू 13 बाय 2, 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ना कटिंग कर देने बन जाएगा 22. एस 13 इज इक्वल टू 13 ते 22 नू मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जर 6, 2 1 जर 2, नीचे क्रॉस, 2 3 जर 6, 2 1 जर 2, 6 7 8. ठीक है, सो आंसर की बन गया 286. सो 13 टर्म सीगे इस एपी दे विच, ते उन्हां 13 टर्म्स दा मैं जदों सम कीता ओ किन्ना आया 286. सो इस क्वेश्चन दे विच डिफरेंट की सी, इस क्वेश्चन दे विच ए डिफरेंट सी कि आपां नू एन दी वैल्यू नहीं दित्ती हुई सी, ते एन दी वैल्यू सी किद्दां फाइंड आउट कीती, ए एन दे फॉर्मूले च. ठीक है, इसे तरह अलग-अलग क्वेश्चंस बन सकदे ने. हो सकदा किसी क्वेश्चन दे विच तुहानू ए दी वैल्यू ना दित्ती होवे, तां पहलां तुसीं ए दी वैल्यू कड्ढो फिर ओह पुट करो. किसी क्वेश्चन दे विच तुहानू कोई डी दी वैल्यू ना होवे, ओह डी दी वैल्यू फाइंड करो फिर सम दे फॉर्मूले विच ओहनू पुट करो. सो इस तरह इस फॉर्मूले दे उपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकदे ने. सब तो पहलां ये देख लेना कि कीड़ियां वैल्यूज गिवन आ, कीड़ियां वैल्यूज फाइंड करनियां ने. ए एन दा फॉर्मूला लगाओ या एस दा, एस एन दा फॉर्मूला लगाओ, वह वैल्यूज़ कढ़ो, फिर अपना पूरा सम सॉल्व करो. सो इस क्वेश्चन दे विच आपां एक बार फटाफट गो थ्रू हो लैंदे हां कि कीता. फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी, एपी सी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन 10 तक. फर्स्ट टर्म है 34, डी आपां कढ़ लिया, सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 2 आ गया, ए एन आ गया 10. एन दी वैल्यू सानू नहीं दित्ती सी, अगर असीं सम कढ़ना है तो सानू एन दी वैल्यू चाहीदी है. सो एन दी वैल्यू किद्दां कढ़ी, ए एन दे फॉर्मूले च. पहला ए एन दे फॉर्मूले सारियां वैल्यूज पुट करती हैं, एन दी वैल्यू आ गई 13. एन जदों 13 आ गया उस वैल्यू नू एन दी ए ते ए एन दी सारियां नू सम दे फॉर्मूले पुट करके आपां सम ऑफ 13 टर्म्स कढ़ लिया 286. सो इस तरह क्वेश्चन सिंपल सी, सिर्फ आपां ये देखना है कि की गिवन है ते की आपां फाइंड आउट करना है. सो हुण आपां इसे तरह दा एक होर क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, तुहाडी एक्सरसाइज दा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन दे विच आपां नू डायरेक्टली सारियां वैल्यूज ऑलरेडी लिखियां हुई हैं, दस्या होया कि तुसी की तुहानू गिवन है ते की तुसी फाइंड आउट करना है. ठीक है, जिदा ए दी वैल्यू आपां दित्ती हुई है 7, ए 7 है, ए 13 दित्ता होया 35 है. कहिंदे फाइंड करो डी कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 13 टर्म्स. एस 13 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है. ए 13 गिवन है, ए जी ए इज इक्वल टू 7 गिवन. फॉर्मूले अपने को होंगे हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो एक होंगे ए एन का फॉर्मूला ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तीन फॉर्मूले आप कितने, इन्हों तिना फॉर्मूलों में कोई भी आप दो फॉर्मूले यूज करांगे ताकि यह सम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इन्होंने दोनों में आप कोई एक ही फॉर्मूला यूज करना है. सो हम देखो सम ऑफ 13 टर्म्स कढ़ना है तो डी कढ़ना है. अगर ये फॉर्मूला मैं देखा एस एन, तो ये मैं एन की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू मैंने क्वेश्चन के गिवन है 13. कहिंदा एस 13 फाइंड करो, मतलब उन्हें एन की वैल्यू सानू दित्ती हुई है ना,
n ਕਿੰਨਾ 13 ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 13 ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 13/2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ 7 ਪਲੱਸ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਤਾਂ s 13 ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਗਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ s 13 ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ s 13 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ sn = this ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ 13 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 7 ਪਰ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ sn = n/2 a + an ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ s 13 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਹੋਗੀ 13/2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 + an ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਸੋ s 13 = 17/2 35 + 7 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 42 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 13/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 42 2 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ 2 1 ਜ਼ਾ 2 2 2 ਜ਼ਾ 4 2 1 ਜ਼ਾ 2 21 ਆ ਗਿਆ ਸੋ s 13 = 21 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 1 ਜ਼ਾ 3 3 2 ਜ਼ਾ 6 ਨੀਚੇ ਕ੍ਰਾਸ 1 1 ਜ਼ਾ 1 1 2 ਜ਼ਾ 2 3 7 2 273 ਸੋ s 13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 273 ਠੀਕ ਹੈ ਸਮ ਆਫ 13 ਟਰਮਸ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ an is equals to a plus n minus 1 d ਠੀਕ ਹੈ an ਕਿੰਨਾ ਹੈ 35 a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 plus n ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13 minus 1 ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 35 minus 7 7 ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆ is equals to 12 into ਯਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ 12 d ਲਿਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਦੀ 35 minus 7 ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 28 12 ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਧਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 28 upon 12 is equals to d ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 6 14 3 7 ਠੀਕ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 6 ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 14 ਦਾ 28 ਅੱਗੇ 14 2 7 ਦਾ 14 2 3 ਦਾ 6 ਸੋ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7 upon 3 ਸੋ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 upon 3 ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ an ਦਾ ਇੱਕ sn ਦਾ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ 13 ਟਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ a 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 15 ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਟਰਮ ap ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15 s 10 ਸਮ ਆਫ 10 ਟਰਮਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 125 ਆਪਾਂ d ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ a 10 10th ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a 3 ਗਿਵਨ ਹੈ a 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 a 3 ਮਤਲਬ a ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a + 2d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 a + 2d ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a + n - 1 d
ਇੱਥੇ n ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ a3 equals to a plus 3 minus 1 d a3 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ 15 so 15 equal to a plus 3 minus 1 2 d ਠੀਕ ਹੈ so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a plus 2 d is equals to 15 ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ s10 sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n by 2 2a plus n minus 1 d s 10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ equals to 10 by 2 2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ a ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 10 ਮਾਈਨਸ 1 d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ s 10 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਬਾਈ 2 2a ਪਲੱਸ 9d ਠੀਕ ਹੈ s 10 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 125 ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ 125 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਬਾਈ 2 2a ਪਲੱਸ 9d ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ 2 1 ਜ਼ਾ 2 2 5 ਜ਼ਾ 10 ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2a ਪਲੱਸ 9d 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 25 ਸੋ 25 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ 25 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2a ਪਲੱਸ 9 ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ a plus 2d is equals to 15 2a plus 9d is equals to 15 ਤੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ a3 is equals to 15 ਗਿਵਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ a3 ਦੇ ਵਿੱਚ an ਦੇ ਵਿੱਚ a3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਆ sn ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ s10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ n ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 125 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ a3 ਗਿਵਨ ਸੀ s10 ਗਿਵਨ ਸੀ s10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 125 ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਸੀ a ਤੇ d ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 25 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2a ਪਲੱਸ nd a3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 a3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ an ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਪਲੱਸ 2d ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਨੇ a ਤੇ d ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ an ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ a 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ a3 is equals to 15 ਤੇ s10 is equals to 125 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ a plus 2d equals to 15 ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 2a plus 9d equals to 25 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸੋ ਮੈਂ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ a ਹੈ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x y 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਤੇ d ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ
सो जेडे अपने को दो वेरिएबल आए ने मैं कोशिश करनी है कि जेड़ा मेरा फर्स्ट वेरिएबल है उदो कोफिशिएंट सेम कर दा जिवें इत्थे 2 है इत्थे 1 है मैं की करूंगी फर्स्ट इक्वेशन नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगी जो मैं इन्हें 2 नाल मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2a प्लस 2 2 जा 4d 2 15 जा 30 सो हुण जिहड़ियां दोनों इक्वेशनस ने इन्हू सबट्रैक्ट कर दिए साइन चेंज करांगे जो भी सबट्रैक्ट करांगे इत्थे प्लस है माइनस प्लस है तो माइनस साइन चेंज करते ठीक है प्लस 2a माइनस 2a ने एक दूसरे को कैंसल करता इत्थे 0 आ गया प्लस 9d माइनस 4d इक्वल्स टू 25 माइनस 30 सो इन सॉल्व कर लें माइनस 5d इक्वल्स टू प्लस 5d क्योंकि 9 अगे प्लस का साइन है सो प्लस 5d 25 माइनस 30 माइनस 5 क्योंकि 30 के अगे माइनस का साइन है आपा साइन लेना होंगे वड्डी वैल्यू का 9 वड्डी वैल्यू है वो अगे प्लस का साइन है 30 वड्डी वैल्यू वो अगे माइनस का साइन है सो 5d इज इक्वल्स टू माइनस 5 डी इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 कटिंग हो जाएगी डी इज इक्वल्स टू माइनस 1 सो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 इस वैल्यू नू किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो चाहे फर्स्ट इक्वेशन चाहे सैकेंड इक्वेशन तो ए की वैल्यू फाइंड कर लाँगे पुट दिस वैल्यू इन ए इक्वेशन नंबर 1 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 सी साडे कोल ए प्लस 2d इक्वल्स टू 15 सो ए प्लस 2 इंटू माइनस 1 ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 ए इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 ए इज इक्वल्स टू 17 सो डी इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया ए इज इक्वल टू 17 आ गया डी इज इक्वल्स टू माइनस 1 साडा फर्स्ट पार्ट से जोड़ा सॉल्व हो गया अगे आप क्या ए 10 की वैल्यू ए 10 की वैल्यू क्डन असं ई एन का फॉर्मूला लगावे एन की जगह 10 ए की जगह 17 प्लस 10 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 सॉल्व कर लें ए 10 10 माइनस 1 9 इंटू माइनस 1 सो ए 10 इज इक्वल्स टू 17 9 इंटू माइनस 1 माइनस द 9 सो ए 10 साढ़े को कितना आ गया सो ए 10 की वैल्यू कर ली 8 सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया ठीक है सो इस क्वेश्चन के देखो असं की किया सब तो पहला जो चीज़ गिवन होंगी है उन्होंने यूज़ किया जो चीज़ गिवन से उन्होंने यूज़ करके दो इक्वेशनस बनाई हैं इक्वेशनस आ गया ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 फर्स्ट इक्वेशन के सैकेंड इक्वेशन असी इलीमीनेशन मैथड न सॉल्व किया इलीमीनेशन मैथड फर्स्ट कोफिशिएंट सेम बनाया सबट्रैक्ट करता सॉल्व किया डी इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया सो डी की वैल्यू असं फाइंड करनी सी क्वेश्चन वो साड़ी फाइंड होगी उस तो बाद इस वैल्यू नू फर्स्ट इक्वेशन च पुट किया फर्स्ट इक्वेशन च डी दी वैल्यू पुट करती फर्स्ट इक्वेशन सी कि ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 ए प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 इनू सॉल्व कर लिया ए इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 ए दी वैल्यू आ गई 17 हुण ए दी वैल्यू ते डी दी वैल्यू यूज करके आपां ए 10 दी वैल्यू फाइंड करनी ए 10 दी वैल्यू किस तरह कढ़ांगे ए एन दे फॉर्मूले तो ठीक है ए एन का फॉर्मूला सी एन की वैल्यू कितनी होंगी है जो दे सबस्क्रिप्ट मतलब पैच पई होंगी है 10 17 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितों आया डी की वैल्यू ए कितों आया 17 सो वैल्यूज पुट करती है सॉल्व कर लिया ए 10 इज इक्वल्स टू 18 सो इस तरह आप अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर अगर तुम इन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़े तो ईजीली हो जाएंगे ठीक है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ने तुहाड़ी बुक में जिदे विच तुसी पहला इक्वेशनस बनानियां ने जो चीज़ गिवन है उन्होंने इक्वेशनस नू सॉल्व करना है सॉल्व करन दे मैथड्स असी लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर्स दे विच कीते सीगे सब्सटीट्यूशन इलीमीनेशन ते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उहदे विचों जिहड़ा भी मैथड तुहानू ईजी लगता है जिहदी तुसी ज़्यादा प्रैक्टिस कीती होई है तुसी वह मैथड अपलाई करके सॉल्व कर लैणियां ने दोनों इक्वेशनस इत्थे आपां इलीमीनेशन मैथड अपलाई कीते दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी की वैल्यू कर ली ए की वैल्यू कर ली उन फॉर्मूले पुट किया ए 10 की वैल्यू फाइंड कर ली इन्हों क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरत है क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ 2-3 ही ने लेकिन उन्होंने सॉल्व किदा करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो इस चैप्टर की तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी है बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर है
और इस चैप्टर चो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने के पेपर के तो स्कोरिंग चैप्टर है नंबर ज़्यादा मिल सकता है इस चैप्टर के सो इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस तो नैक्सट लैक्चर असी करा इस चैप्टर के प्रॉब्लम सम्स जिदे सू स्टेटमेंट सम्स हो तो उन्हें स्टेटमेंट तो असी किस तरह उन्होंने ए पी सम के कन्वर्ट करना है वो चीज़ समझा तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करा। इस तो अगे असी पढ़ा साढ़े नैक्सट लैक्चर। थैंक यू।